कोटा में एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर से खून के दलाल सक्रिय हो गए हैं। ये दलाल मिलीभगत से पहले वार्ड में भर्ती मरीज और तीमारदार को झांसे में लेते हैं और फिर पैसा लेकर खून की व्यवस्था करवाते हैं। अस्पताल में पुलिस चौकी होने के बावजूद दलाल बेखौफ होकर मरीज के तीमारदारों से रुपए वसूल रहे हैं और ऐसा ही एक मामला एमबीएस अस्पताल के महिला मेडिकल वार्ड में सामने आया है। दरअसल बूंदी जिले के गणेशपुरा निवासी 19 वर्षीय युवती का टाइफाइड व निमोनिया की शिकायत पर 23 मई को भर्ती करवाया गया था, जहां चिकित्सक ने मरीज के लिए ब्लड लिया। परिजनों को आरोप है कि वार्ड में ही मौजूद किसी व्यक्ति ने 1600 रुपए में ब्लड का इंतजाम कराने की बात कही और इस बीच किसी ने इसकी शिकायत एमबीएस पुलिस चौकी में कर दी। पुलिस ने ब्लड देने वाले डोनर को पकड़ लिया है, लेकिन मौका पाकर दलाल वहां से फरार हो गया। डोनर कमल यादव ने बताया कि उसे रुपयों की जरूरत थी और दलाल ने खून देने के बदले उसे 1000 रुपए दिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कितना पैसा दिया? कुछ नहीं, 1000 रुपये। आपने फोन दे दिया?